तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज इन सोसाइटी। हमने बेसिकली फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को स्टडी कर लिया है, बट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हमने वैसे बेसिकली फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ऑलरेडी स्टडी कर लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देखें। आज हम मज़ीद फंक्शंस लैंग्वेज के उनको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। लैंग्वेज के कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला फंक्शन कॉग्निटिव फंक्शन, सेकंड पे हमारे पास है इवैल्यूएटिव फंक्शन और थर्ड पे है अफेक्टिव फंक्शन। और ये फंक्शंस जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉग्निटिव फंक्शन लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है, जो कि किसके हवाले से होता है, कॉग्निशन ऑफ आइडियाज़। ये बताता है कॉग्निटिव फंक्शन लैंग्वेज के हवाले से बताता है कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती है टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तो ये लैंग्वेज का कॉग्निटिव फंक्शन हो जाता है। व्हेन यू आर यूजिंग द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, टू एक्सप्रेस योर कॉन्सेप्ट्स, तो वो है कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड पे है इवैल्यूएटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इवैल्यूएटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये नाम से ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि इवैल्यूएशन के लिए, व्हेन यू यूज लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ कन्वेइंग योर वैल्यूएबल आइडियाज़ या वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स को कन्वे करने के लिए आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तो वो फंक्शन हो जाता है लैंग्वेज का इवैल्यूएटिव फंक्शन। थर्ड पे आ जाता है इफेक्टिव फंक्शन। इफेक्टिव फंक्शन थर्ड फंक्शन है लैंग्वेज का, और इफेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये बताता है कि एक लैंग्वेज यूज़ होती है या हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या एक स्पीकर लैंग्वेज को यूज़ करता है टू ट्रांसमिट हिज इमोशंस, टू ट्रांसमिट हिज फीलिंग्स। एक स्पीकर लैंग्वेज को इसलिए ही यूज़ करता है कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ट्रांसमिट कर सके, तो ये लैंग्वेज का क्या फंक्शन है, ये लैंग्वेज का इफेक्टिव फंक्शन है, ताकि वो अफेक्ट्स देख सके लोगों पे, लिसनर पे या रीडर पे। तो ये था लैंग्वेज का इफेक्टिव फंक्शन। दीज वर द थ्री फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। लेकिन मैरी पिनोशेरो इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के सिक्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं, मगर इनमें कुछ चेंज भी है, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। पहला फंक्शन लैंग्वेज का उसके अकॉर्डिंग है पर्सनल फंक्शन, कि हम लैंग्वेज को या यूज़र जो है वो लैंग्वेज को पर्सनली यूज़ करता है अपनी इनर मोस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के लिए नफ़रत को, किसी के लिए गम को या लव को, या फिर डिज़ायर्स को या एटीट्यूड्स को या नीड्स को, या उसके माइंड में जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए या क्लासीफाई करने के लिए वो लैंग्वेज को पर्सनली यूज़ करता है। यानी कि पर्सनल ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मकसद के लिए, मकासिद के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूँ, मैं एक यूज़र ऑफ लैंग्वेज हूँ, मैं लैंग्वेज को अपनी थॉट्स को जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के लिए नफ़रत जाहिर करने के लिए, मेरे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है पर्सनली मैं उसको बताने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो लैंग्वेज का फंक्शन हो जाएगा पर्सनल फंक्शन। फिर आता है इंटरपर्सनल फंक्शन। इंटरपर्सनल फंक्शन बेसिकली एक सोशल रिलेशनशिप कायम करने के लिए, एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी ग्रुप के अंदर, उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम इंटरपर्सनल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ताकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी के साथ इजहार ख्याल कर रहे हैं या किसी के साथ अपने दुख सुख बांट रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं, या फिर किसी के हवाले से किसी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं या किसी को दावत दे रहे हैं, तो आप किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे इंडिविजुअल से या ग्रुप से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो तब लैंग्वेज का जो फंक्शन होगा, यानी लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। फिर आ जाती है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन जो है वो बेसिकली आप डायरेक्ट करने के लिए किसी को यूज़ करते हो लैंग्वेज।
आप किसी को एडवाइस देने के लिए डायरेक्टली, या किसी को ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, या फिर सजेशन देने के लिए, या फिर कोई वार्निंग देने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, या किसी को परसुएड करने के लिए, किसी चीज़ के लिए माइल करने के लिए आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो, तब वो लैंग्वेज का फंक्शन हो जाता है डायरेक्टिव फंक्शन। फिर आ जाता है रेफरेंशियल फंक्शन। ये वो फंक्शन है लैंग्वेज का, या इसमें ये पता लगता है कि आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज़ के हवाले से बताने के लिए, रिलेट करने के लिए, या रेफरेंस देने के लिए, चाहे वो बात पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, या फिर किसी सेटिंग या इन्वायरमेंट या कल्चर से रिलेटेड है। आप किसी इवेंट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आप उसका रेफरेंस दे रहे हो, तो तब लैंग्वेज का जो फंक्शन होगा वो रेफरेंशियल फंक्शन होगा। फिर आ जाता है मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन लैंग्वेज का वो फंक्शन होता है विच एनेबल्स द यूज़र टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, जो कि यूज़र को एनेबल करता है कि वो लैंग्वेज के बारे में ही बात करें। फिर आ जाता है लास्ट पे इमेजिनेटिव फंक्शन। इमेजिनेटिव फंक्शन बेसिकली ये वो फंक्शन होता है जिसमें जो राइटर है या फिर जो पोएट है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता है। एक पोएट है, वो पोइट्री लिख रहा है, वो उस पोइट्री में जो वर्ड्स लिख रहा है वो इमेजिनेशन, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, ठीक है। तो वो तब लैंग्वेज को यूज़ करता है, तो तब लैंग्वेज का जो फंक्शन होता है वो क्या है, यानी लैंग्वेज किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, इमेजिनेशन के लिए, टू क्रिएट इमेजिनेशन। सो दिस फंक्शन इनेबल्स द राइटर और द पोएट टू यूज़ लैंग्वेज इन हिज राइमिंग, इन कंपोजिंग द पोइट्री, इन राइटिंग और इन स्पीकिंग।